नागदा ग्रेसिम समझौता मामले में मामला और संदिग्ध हो गया जब फैक्ट्री में कार्य कर रहे रामाश्रय की 16 घंटे से ज्यादा कार्य करने से हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें जन सेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रामाश्रय से मिलने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सुबोध स्वामी और रघुनाथ बाबू सरकार ने रामाश्रय से मुलाकात की और हाल जाना और मीडिया से चर्चा कर सारी जानकारी दी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कब मतलब क्या हुआ था आपको, क्या मतलब तबीयत कैसे खराब हो गई थी आपकी, कैसे बिगड़ गई थी तबीयत? क्या है जो एकदम उल्टी जैसा होने लगा था, वोमिटिंग और थोड़ा सर भारी हो गया था। अच्छा, थोड़ा हल्का हल्का घबराहट टाइप हो रही थी। कितने घंटे ड्यूटी कर रहे थे आप, मतलब कौन सी शिफ्ट में थे? मतलब कल मॉर्निंग का गया हुआ था, अपने डिलीवरी नहीं आया तो छोड़ के आ ही नहीं पाए। मतलब 36 घंटे हो गए। हाँ, कौन से प्लांट में? 24 घंटे थे। आपने क्या महसूस किया, अंदर क्या लगा आपको, कैसी तबीयत है इसकी? स्वास्थ्य तो ठीक है, बाकी जो हमने देखा कि जो 24 घंटे काम कराया जा रहा है और बहुत ही गैस का प्लांट है तो दम घुटने से आदमी का जी घबराने से हुआ है। और भी बहुत लोग बीमार अंदर हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि उन सबको बाहर निकाला जाए और उनको 8 घंटे काम कराया जाए, हालत बिगड़ सकती है। सर अभी आप यहाँ जनसेवा आए, क्या किस लिए? आपका नाम बता दो। वहाँ पर हमको श्रमिकों ने बताया था कि पिछले 24 घंटे से ज़्यादा रामाश्रय परमानेंट श्रमिक है आफ्टर ट्रीटमेंट के, उनको वहाँ पर काम करवाया जा रहा था। और श्रम कानून भी ये कहता है कि 16 घंटे से ज़्यादा किसी से काम नहीं करवाया जाता, निश्चित 24 घंटे उन्होंने काम करा तो उसकी तबीयत बिगड़ी और यहाँ पर जनसेवा अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उनको देखने आए। सर अभी क्या स्थिति, मतलब क्या हालत है? अभी ठीक है, हालत ठीक है, क्योंकि 24 घंटे और आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे विभाग में काम करना जहाँ मेहनत और मशक्कत का ही काम है, उसमें अगर किसी से काम लिया जा रहा, उनसे पूछा तो ये बताया है कि बहुत सारे श्रमिकों के कार्ड रख लिए हैं मैनेजमेंट, बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो ऐसे में ये संभावना भी हो सकती है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ के आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।